नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, क्या नाम है, शुभ नाम क्या आपका? डॉक्टर गुरसेवक सिंह। डॉक्टर गुरसेवक सिंह। गुरसेवक सिंह, तो किस चीज के डॉक्टर हो वो बताइए आप। घोड़े घोड़ियों के डॉक्टर सर, हॉर्स मेयर स्पेशलिस्ट जी। तो इसमें भी अलग डिग्री होती है कि पशुपालक विभाग में? नहीं, डिग्री कोई अलग नहीं होती, वैसे इसका रुझान अलग तरह का होता है, जो काम करने लग जाए आदमी। तो आपकी पोस्टिंग इधर ही है क्या? हाँ, मेरी पंजाब में। पंजाब में नौकरी है ना। घोड़ा आपका ये क्या? हाँ, हमारा घोड़ा जी, एक मस्टर्ड फार्म पे घोड़ा हमारा, हमारे पास फार्म है एक। क्या नाम से आपका फार्म? एक कम स्टेट फार्म। स्टेट फार्म का नाम भी आपने सबसे हट के रखा है। और गुड़िया के नाम पे है मेरी। गुड़िया के नाम पे है ये घोड़ा है? मजनू घोड़ा है, मज्जू की लाइन का है, खली का बच्चा है। क्या नाम है इसका? नाम मजनू। मजनू मजनू। और हाइट कितनी होगी सर इसकी? 66 प्लस है। 66 प्लस है, मेरा जितना बड़ा है। आप जितना बड़ा है जी। और इसके फादर मदर की कुछ डिटेल? इसके फादर का नाम खली है, खानापुर वाला, मज्जू की लाइन का। मज्जू की लाइन का। इसकी जो माँ है वो एडम घोड़े की है। एडम घोड़े की? हाँ जी, वो भी मज्जू की लाइन। और ये कौन सी नस्ल बोल सकते हैं हम इसको? ये मज्जू की लाइन का ही है। मारवाड़ी, वैसे मारवाड़ी है। ये मज्जू का तो एक गाँव का नाम है, उससे नाम पे पड़ा है जी मज्जू का। ये पंजाब की लाइन ही मान सकते हैं जी। तो सर घोड़ों में अधिकतर कौन कौन सी बीमारियां अधिकतर नॉर्मली होती है वो बताइए सर। नॉर्मल बीमारी तो पेट दर्द ही होता है ज्यादातर। पेट दर्द ही होता है ज्यादातर? ज्यादा पेट दर्द होता है, और थोड़ा दस्त लग जाते हैं आजकल सर्दी में, और लेमिनेट्स हो जाता है, पांव वाली बीमारी कहते हैं जिसको। तो आप बता रहे थे कि घोड़ों में अधिकतर पेट दर्द का ही होता है ना? हाँ, ज्यादातर पेट दर्द ही होता है, और वैसे दस्त वगैरह भी लग जाते हैं सर्दी में आजकल जी। और एक लेमिनेट्स हो जाता है, इनको फुट पंचर बोलते हैं उसको जी, वो पाँव वाली बीमारी बोल देते हैं हमारे पंजाब वाले। उसका क्या इलाज होता है सर? पाँव वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं, उसको ज्यादा फैटी जानवर नहीं करना चाहिए, ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए घोड़ा, बस थोड़ा जो ज्यादा तगड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैसा नहीं होना चाहिए, कमजोर तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो पंजाब के घोड़े हैं काफी हाइटेड है, और हाइट का ज्यादा क्रेज भी है पंजाब में। हाँ जी। तो इसका मेन रीजन क्या है, और इसके कोई दवाई भी आती है ऐसे, क्या खान पीन का फर्क है, कैसे क्या है? नहीं सर, ये ना दरअसल क्या है, ये सिस्टम ऐसे है, इसकी केयर ज्यादा होने लगती है। केयर ज्यादा होने लगी? पहले था घोड़े को बस ऐसे सवारी के लिए लोग रखते थे, अब घोड़े को प्रदर्शन के लिए लोग रखते हैं, और प्रदर्शन के लिए जैसे बच्चे हमारे को जिम जाते हैं, अपनी बॉडी शॉडी बना लेते हैं, वैसे लोग भी घोड़ों को जिम की तरह तैयार करने लगे। जिम की तरह तैयार करने लगे हैं। एक तरफ से जैसे घोड़ा दिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं घोड़े जी, एक तरह से पंजाब में घोड़ों को जिम ही कराया जाता है। हाँ, अब घोड़े पर सवारी नहीं करी जाती, घोड़े को शो आउट ही की जाती, सवारी का टाइम गया, वो सवारी तो बहुत कम करते हैं लोग, अब तो शो भी करते हैं बिल्कुल। यही रीजन है मेन। कोई और खान पीन में क्या देते हैं? खान पीन में तो भैया ऐसे है, हमारे जो पंजाब में हर एक चीज होती है इनके खाने के लिए, घोड़े के खाने के लिए पंजाब में हर एक चीज उपलब्ध है। गेहूँ होता है, चने होते हैं, जौ होते हैं, जमी होती है, बाजरा होता है, सब पंजाब की खेती है जी। तो इसीलिए घोड़े पंजाब के बड़े होंगे, छोटे नहीं? बड़े होंगे, अधिकतर बड़े ही हैं घोड़े सब जी। तो सर आपसे ऑनलाइन भी कोई पशु घोड़े के बारे में पूछना चाहे तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फिर से बता दो। कोई बात नहीं, जो मर्जी मेरे से बात करे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। 9915465514। तो आप एक किस्सा भी बता रहे थे कि कोटा जाके मैं 700 किलोमीटर। हाँ, वो तो एक घोड़ा बीमार था सुनील गिरी जी का, तो उसको जवाब दे दिया था सभी डॉक्टरों ने, तो उसको मैं यहाँ से 710 किलोमीटर पड़ता है हमारे, तो वहाँ जाके उसका इलाज किया था, 5 दिन रुके थे, वो घोड़ा ठीक हो गया। किसका था वो घोड़ा? सुनील गिरी जी का। सुनील गिरी, अच्छा फार्म है उनका है ना? नहीं, उनका छोटा, उसकी अकेडमी है। अकेडमी है, अकेडमी है उनकी, क्रिकेट क्रिकेट अकेडमी, कोच है वो जी। तो यहाँ दिखाने के लिए लाए कि सेल के लिए? दिखाने के लिए लेकर आए हैं, वैसे सेल भी कर देंगे अगर कोई अच्छे पैसे देगा तो। अच्छे पैसे देगा तो चलो ठीक है, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा हमको। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।